नमस्कार। पिछले 2 दिनों में राज्य सरकार की ओर से 2 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं, जो सीधे तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन को प्रभावित करेगा। ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा और अप्रैल माह का वेतन जो मई महीने में दिया जाएगा, उसमें आपको कौन-कौन से चेंजेज अभी से कर लेने हैं, जिससे कि आपका अप्रैल महीने का वेतन आसानी से बन सके। वो कौन से आदेश है, वो पे मैनेजर और एसएसओ आईडी पे आपको कौन-कौन से चेंजेज करने आवश्यक है, इसकी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट आदेश की हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं जीपीए, सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, जो प्रतिवर्ष राज्य सरकार की ओर से अप्रैल माह में 220 रुपये पहले कटवाए जाते थे, और उसके बाद में पिछले साल से ही 220 से फिर बाद में विकल्प दे दिए गए। 220 वालों को 3 लाख, और फिर 700 वालों को 10 लाख, फिर 1400, 20 लाख, और फिर 2100 को 30 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा राशि अगर किसी कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। जिस प्रकार का विकल्प कार्मिक चुनता है, उसी प्रकार का लाभ उसके कार्मिक के दुर्घटना से मृत्यु के बाद में उसके परिवारजनों को दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक आदेश आया, जिसमें जो विकल्प दिए गए थे 220 से लेकर 2100 तक, उसमें ये तय किया गया कि इसमें से 350 रुपये की राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। तो हमने ये देखा था कि इससे पहले ही हम जीपीए प्रपोजल दे चुके हैं। तो हम जो जीपीए प्रपोजल दे चुके हैं, किसी ने 220 का विकल्प चुना होगा, किसी ने 700 का चुना होगा, किसी ने 1400 का चुना होगा, किसी ने 2100 का चुना होगा, लेकिन अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि पहला आदेश जो आपको आया था जीपीए के लिए, उसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपने जीपीए प्रपोजल भरा है उसमें ऑटोमेटिक ही अपडेट कर दिया गया है। जैसे आपने 700 का विकल्प चुना है तो उसमें अपडेट कर दिया गया है। जैसे हम आपको दिखाते हैं अपना जीपीए, तो हम जीपीए पे क्लिक करते हैं, तो ये जीपीए प्रपोजल है। तो ये दिखा रहा है कि आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। आप अगर देखना चाहते हो तो उसके देख सकते हो। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जैसे जो आपने ऑप्शन दिया था, उस ऑप्शन के अनुसार जैसे आपने 700 रुपये का विकल्प चुना था, तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि 350 रुपये राज्य सरकार की ओर से वहन किए जाएंगे और 350 रुपये एम्प्लॉय की ओर से वहन किए जाएंगे, यानी कि जो आप कार्मिक है और आपके खाते में से 350 रुपये ही कटेंगे। अगर आपने 220 रुपये का विकल्प चुना था तो आपको 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारा पैसा है वो राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाना। तो आपको क्या करना है, इसका एक प्रिंट ले लेना है, अपने संबंधित डीडीओ को देना है। वो डीडीओ जब आपके बिल जनरेट करेंगे, यानी कि जो बिल प्रोसेस करेंगे, तो उससे पहले इस जीपीए प्रपोजल को बिल के साथ एक डॉक्यूमेंट के रूप में सबमिट किया जाएगा ऑनलाइन। तो पहला काम तो आपको जीपीए का प्रपोजल का दोबारा प्रिंट लेना है और अपने डीडीओ के पास जमा करवा देना है। अब हम बात करते हैं दूसरे आदेश की। दूसरा आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया था, आरजीएचएस योजना में जो भी हमें कटौती की जानी थी, क्योंकि पूर्व में हमने ये देखा कि 2021 में जब ये योजना आई थी तो उसमें पूर्णतः फ्री थी। उसके बाद में धीरे धीरे जो जीपीएफ कर्मचारी थे उन्हें शामिल किया गया अनिवार्य रूप से, और अब इसमें ये किया गया है कि आपकी बेसिक के अनुसार इसमें कटौतियां प्रारंभ की गई है। अगर आप अप्रैल महीने के वेतन से, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा था कि हम 330 के आसपास आरजीएचएस की कटौती कर रहे थे, और उसी के आधार पर हमें 5 या 10 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा है वो दिया जाता था सरकार की ओर से। लेकिन अप्रैल माह से ये व्यवस्था लागू की गई है कि अप्रैल माह में आपके बेसिक के अनुसार अधिकतम 875 रुपये और कम से कम 265 रुपये, इतनी राशि आपको आरजीएचएस के रूप में कटवानी होगी। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि आपके डीडीओ के द्वारा ये किया जाएगा कि आपकी आरजीएचएस कटौती आपकी बेसिक के अनुसार की जाएगी। तो ये दो काम जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको अप्रैल माह के बिल बनाने के लिए और वेतन उठाने के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम जो जीपीए प्रपोजल जिसे अब चेंज किया गया है इसे आप रीप्रिंट लेंगे, और दूसरा काम जो आपकी आरजीएचएस कटौती जो 330 रुपये पहले हुआ करती थी उसे बदलकर अब इसमें चेंजेस किया जाना है, आपके बेसिक के अनुसार इसमें कटौती की जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि दो आदेश जो हमारे वेतन को पूर्णतः प्रभावित करते हैं, और इसी के आधार पर आपको वेतन मिलेगा, और आपको ये दो काम अप्रैल महीने के वेतन प्रोसेस होने से पहले ही कर लेने चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।